नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला डॉक्टर नितीश कौरा। मैं डॉक्टर नितीश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शनी। आई एम डॉक्टर प्रियदर्शनी, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट। Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. Dr. Nilesh Patil, जो कि general laparoscopic surgeon. मैं Dr. Nilesh Patil, general laparoscopic surgeon, and for you मैं कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर surgery related सारी बीमारियों का इलाज होता है। Laboratory facilities, जो कि हमारे lab head Dr. Anand Jaiswal एक क्या करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो सीबीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर है। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। Мой тайт 2-0, лікуть розвороту тулить. Це життєвий стайл до тебе прямо із вулиць. Лови джеб, боковий, прямий з ноги прямо в лоб. Уперед не нагинайся, бо прилетить аперкот. Мой тай легенда, прямо з Андерленда. Мені так не вистачало цього компонента. Приготуйся слухати, це раунд 2. Перемога над собою важливіш за все. Буде плей, роби степ бай степ. Кажу речі банальні, та вони рухають уперед. На мені не нависай, бо клінчем тебе розкрутий. Мой тай не ведай, збираєм лути. Джеб, джеб, за ним і сайт степ. Полетів той лікоть, його вже не оминеш. А мідл прямо в ребра, якщо є потреба. Тайц так, то добрий, та злити його не треба. जय हिंद, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही गर्व की बात है, आज हमारा ये स्पेशल एडिशन जरूर देखिएगा। जयशीष के ऊपर में 10 साल उसकी उम्र है और आज उसने जो है बहुत ही बड़ा काम किया है। और वो काम ये है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मुआय थाई एसोसिएशन, वो एक प्रकार की मार्शल आर्ट्स होती है। हम सब जानते हैं, जैसे हमारे पहले एपिसोड में भी आप लोगों को हमने बताया था कि हम सब ओंग बाक मूवी जानते हैं, जिसके जो हीरो है टोनी जा, जो आज हमारे भारत देश में बच्चा बच्चा उसे जानता है। किस तरीके से ओंग बाक मूवी फेमस हुई थी, क्योंकि उसकी जो फाइटिंग स्किल थी वो मुआय थाई स्टाइल की थी। और उसी मुआय थाई चैंपियनशिप में जो इंटरनेशनल मुआय थाई एसोसिएशन की तरफ से थाईलैंड में कराई गई थी, जिसमें 110 देशों ने भाग लिया था और हमारे देश से 11 कंटेस्टेंट्स गए थे, जिन्होंने मिलकर है टोटल जो है 12 मेडल प्राप्त किया, उसमें से 5 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल। हमारे द्वीपों का बच्चा जयशीष थोड़ी सी चूक होने की वजह से पीछे रह गया, वरना वो गोल्ड भी ले सकता था, क्योंकि 2023 चेन्नई में और 2024 आसाम में नेशनल गेम्स में हमारे ही द्वीपों का जयशीष जो है गोल्ड मेडल भी लिया है नेशनल गेम्स में। तो हमें बहुत उम्मीद थी कि वो हमारे आइलैंड के लिए, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगा, मगर इस बार थोड़ी सी कमी रह गई। हमें पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब जयशीष इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा तो वो डेफिनेटली गोल्ड मेडल भी लेकर आएगा। तो आज 11 सितंबर से 20 सितंबर तक थाईलैंड में ये जो मुकाबला चल रहा था, उस वहां से पार्टिसिपेट करके अभी जयशीष जो है यहाँ श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा है और उसके स्वागत के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। उन ट्रेनर हैं, उनके पिताजी हैं और हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति से अंशुमन रॉय जी, वार्ड नंबर 6 के काउंसलर अजीजुर रहमान जी, लोकल बॉर्न एसोसिएशन के राकेश पाल गोविंद जी, इन सब का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस बच्चे को प्रोत्साहित करने में। और उनके पिताजी की तो क्या ही कहने, क्योंकि हमारे पहले एपिसोड में भी आप लोगों ने देखा था कि अपने पुत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने खुद मुआय थाई ट्रेनिंग लेनी शुरू की और वे भी जो है कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रहे थे। यही जोश अगर हर पेरेंट्स में रहेगा तो उनका बच्चा अवश्य आगे बढ़ेगा और ये एग्जाम्पल जयशीष ने यहाँ पर सेट भी किया है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले
जैशिस को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने जो है ना सिर्फ अपना फैमिली का या आइलैंड्स का बट हमारे देश का नाम रोशन किया इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। इसके इस बारे में हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उनसे जैशिस से हम जानना चाहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस था ये 9-10 दिन का, ये इस बारे में थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। टोटल कितने मैचेस हुए वहाँ पे? दो मैचेस हुआ, उसमें से आपको ब्रॉन्ज मिला। हाँ। कैसे चूक गए आप, सिल्वर या गोल्ड क्यों नहीं ले पा रहा है? क्या क्या कहाँ पे गलती हो गई थी आपसे? स्प्रिंट किट आया था, हम साइड नहीं करा करके। ओके, इसमें पॉइंट्स दिया जाता है क्या? ओके, आपने आपको डिफेंस करने में पॉइंट्स दिया जाता है या आपके अटैकिंग पे पॉइंट दिया जाता है या कुछ ऐसे मूवमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, क्या पॉइंट्स का थोड़ा बताइए? अटैकिंग पे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। ओके, इसकी लाइव कवरेज भी हो रही थी पूरी दुनिया में और इनके जो ट्रेनर है वर्मा जी, इन्होंने बहुत लोगों को लाइव टेलीकास्ट का लिंक भी भेजा था। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने इसे देखा होगा। तो जयशीष थोड़े पीछे रह गए, वो हम उनके ट्रेनर से ही जानना चाहेंगे। हाँ बोलिए। मैंने फ्रेंडली खेला था करके। फ्रेंडली खेला था, ज्यादा अटैकिंग नहीं थे आप? करा था पर फ्रेंडली, उसको उतना चोट नहीं पहुंचाना चाहते। आप उतना चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे मगर आप चोट खा गए ना फिर? मुझे नहीं लगा। आपको नहीं लगा मगर पॉइंट से चोट खा गए और आपका सिल्वर चला गया, गोल्ड चला गया, अब अफसोस हो रहा है? हाँ। अगली बार फ्रेंडली नहीं, ठीक है, पूरा अटैकिंग। हाँ, क्योंकि गेम ही अटैकिंग का है ना, पक्का? हाँ। चलिए सर, थोड़ा बताइए इस जयशीष का जो मैच था उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जयशीष जो मैच खेला था वो बेलारूस का प्लेयर थे, जो बेलारूस जो है वर्ल्ड का टॉप प्लेयर है मुईताई में, तो उन लोग के साथ जो थाईलैंड से बेटर है, वो थाईलैंड से बेटर है, थाईलैंड से अभी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन है बेलारूस के प्लेयर। तो बेलारूस के प्लेयर के साथ इन्होंने मैच खेला है, तो भले ही वो 11 साल का था, ये बच्चा 10 इयर्स का था, दोनों में हाइट डिफरेंस बहुत थी, तो उसके हाइट डिफरेंस बहुत था, तो वो एडवांटेज जो है उस बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है, और हमारा बच्चे ने कहीं ना कहीं वहाँ उसको थोड़ी बहुत चूक करी है, मगर इसने जो फाइट दिया है वो सबको ही पसंद आया, यहाँ तक वहाँ के जो इफमा के जो ऑफिशियल्स हैं उसको उन्होंने भी इनको बुला के अपने गोदी में बिठा के इनको बधाई दी कि इतना अच्छा खेले हैं। तो जिसने भी इनका मैच देखे हैं सब यही बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा सा खेला है, एंड खुद बेलारूस का कोच ये बोला कि हम लोग के साथ जो भी खेलता है अब तक नॉकआउट ही हुआ है, तू कैसे नॉकआउट नहीं हुआ, ये उन लोग का कोच पूछा है। तो उनको इनको इनकी खेल इनको उनको भी इतनी अच्छी लगी कि ये उनको परमानेंट रेजिडेंस का भी ऑफर दिए हैं। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि अंडमान का बच्चे का जीत है, भले ही ये पहली बार गया है, उसको ऐसा सिचुएशन या ऐसा एनवायरनमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था, और यहाँ से उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी रिंग का, जिसके वजह से क्या रिंग नॉलेज में इसने मार खाया, अदरवाइज स्किल में कहीं भी इसने एकदम 19-20 भी नहीं होने दिया, स्किल भी एकदम बराबर था दोनों का, एंड मैच भी कभी भी एक तरफा कभी नहीं था, पूरा 3 राउंड में इनका मैच देखेंगे तो हमेशा इट वाज लाइक ऑलमोस्ट फाइट दिया है, एंड सिर्फ और रिंग नॉलेज और फाइट नॉलेज में ही हम लोग पीछे रह गए। जो बच्चा खेलते खेलते आगे जाके डेफिनेटली और बेहतर खेलेगा, और यहाँ से अभी ये पहली बार गया है तो इन्होंने ब्रॉन्ज लेके आया है, अभी से जब भी जाएगा डेफिनेटली वो गोल्ड लेके आएगा अंडमान। डेफिनेटली हम उम्मीद भी करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैटेगरी जो होता है वो एज के हिसाब से होता है, वेट भी देखा जाता है, तो हाइट क्यों नहीं देखी जाती है? वो अभी कभी 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 क्या होता है, अभी 10 साल का जो बच्चा है वो 40 किलो में थोड़ा लंबा भी रह सकता है पतला रह के, और जो तो हाइट नहीं देखा जाता है, चलिए चलिए अभी हम वार्ड नंबर 6 के जो काउंसलर है अजीजुर रहमान जी और अटल फाउंडेशन के डायरेक्टर भी है, हम उनसे जानेंगे। उनका भी जयशीष को शुरुआत से ही इंस्पायर करने में बहुत बड़ा उनका एक महत्व रहा है, उन्हें इस पूरे मामले में क्या कहना है? जैन सर। जैन, मैं सबसे पहले मास्टर जयशीष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतना छोटा सा बच्चा अभी जाकर इंटरनेशनल मोताई चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके वर्ल्ड चैंपियनशिप में और ब्रॉन्ज लेकर आना हमारे आइलैंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और हम सभी खुश हैं। यहाँ पे हमारे बड़े भाई राकेश भाई मौजूद है, अंशुमन भाई है, राजेश भाई है, और इनके पिताजी जो वेंकट भाई है, मैं इनको सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ कि अपने बेटे के लिए अपने बेटे को तैयार किया इस तरह से, और खुद भी ये इसको इस फील्ड में भेजने से पहले जब बेटे का जिद था कि मेरे फादर भी अगर प्रैक्टिस में आएंगे तभी वो क्लासेस ज्वाइन करेगा,
तो फादर ने भी ज्वाइन करके बेटे को भी हेल्प किया और दोनों ही नेशनल में जाकर जो है ये फर्स्ट नेशनल जूनियर में जो है गोल्ड मेडल लेकर आया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतना छोटा सा बच्चा और थाईलैंड जाकर मोथाई चैंपियनशिप में जो है ब्रॉन्ज लेकर आना। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये नेक्स्ट टाइम जो है और इसमें अपने एनर्जी के साथ जो है जाकर आइलैंड के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएगा। बस मैं फिर से इसको बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत सपोर्ट है इनको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। हम राकेश पाल गोविंद जी से बात करेंगे जो लोकल बॉर्न एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। जयशीष यहाँ पहुंचा है तो बेशक उनके पिताजी, उनके ट्रेनर जिन्होंने उनको मानसिक सहयोग दिया है, हर तरह से सहयोग दिया, वहीं दूसरी तरफ बाहर एज एन आइलैंडर और अनेकों तरह से अनेकों प्रकार से मदद की पहुंचाई है अंशुमन जी ने, राजेश जी ने, अजीजुर रहमान जी ने, राकेश पाल गोविंद जी ने। हम उनसे जानना चाहेंगे चंद शब्दों में वे क्या कहना चाहते हैं इस उपलब्धि पर। जय हिंद सर। जय हिंद भाई। सबसे पहले जयशीष को बहुत सारा बधाई, उनके फादर वेंकट भाई को, क्योंकि ऐसे पता चला कि जयशीष से कि 20 बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे मोथाई में, उसमें से सिर्फ एक मेडल आया इंडिया को, जो हमारा बच्चा लेके आया जयशीष। तो ये सिर्फ आइलैंड के लिए बड़ी बात नहीं है, इंडिया के लिए बड़ी बात है। और ये भी पता चला कि मोथाई में पहला मेडल जो इंटरनेशनल इंडिया में आया है वो जयशीष लेके आया है। अब मैं आपके माध्यम से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी को, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनका अपना एक फंडा रहता है कि ओलंपिक एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होगा तो बच्चे को बुला के फेलिसिटेट करेंगे। मैं बोलता हूँ कि आप पैसे ना दो बच्चे को, मगर कम से कम स्टेडियम में बुला करके या CS साहब बुला करके या LG साहब बुला करके उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि कम से कम बाकी बच्चे एनकरेज होकर आगे आए और हमारा यूथ जो स्पॉइल हो रहा है वो एटलीस्ट स्पोर्ट्स के तरफ भागे। आज वेंकट भाई, चलिए ठीक है, उनके फादर को एक था जुनून था कि मेरा बच्चा कुछ करे। सब पेरेंट्स के पास जुनून है बट किसी के पास सहूलियत नहीं है। वी डोंट हैव दैट इंटरनेशनल, इवन नेशनल लेवल का भी हमारे पास मोथाई का यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे कोच सर ने बताया। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आज ब्रॉन्ज लिया है, हम चाहेंगे कि इंडिया के लिए गोल्ड ले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, जो भी ये वीडियो को देखे तो प्लीज कमेंट करें एंड रिक्वेस्ट करें एडमिनिस्ट्रेशन को कि जैसीश जैसा बहुत बच्चे हैं, आज जैसीश को एग्जांपल सेट करना है, बुला करके उनको फैसिलिटेट करना है और एनकरेज करना है ताकि बाकी बच्चे भी आगे बढ़ सके स्पोर्ट्स में। थैंक यू सो मच सर। हिंदू राष्ट्र शक्ति से राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। नमस्कार यमीन भाई, सबसे पहले तो जयशीष को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत खुशी हो रहा है कि आज हमारा बच्चा जो है अपना अंडमान को एक नाम रोशन करके आया है अंडमान का। और शब्द तो है ही नहीं बोलने के लिए, सब तो राकेश भाई ने बताया डिटेल में। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आया, ठीक है कोई बात नहीं, और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टूर्नामेंट जब भी होगा बच्चा अपना गोल्ड लाएगा ही लाएगा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो या फिर स्पोर्ट्स से जुड़ी, आपने हमारे कई सारे एपिसोड्स में हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुमन राय जी को बेशक देखा है। हम उनसे जानना चाहेंगे जयशीष के इस उपलब्धि पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। और ये बहुत ही, जैसा कि पिछले बार भी हम लोग बोले थे कि जैसे हम लोग मतलब कोशिश किए थे वैसे ही ये बच्चा जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाते गया और ऐसा एक स्टेज में हमें छोड़कर गया कि हमें प्राउड फील हो कम से कम ये जान के कि अपना ही बच्चा है, ठीक है, जो हम लोग बचपन से देखे हैं, इसका जो एक्टिविटीज था और खास करके इनका फैमिली का जो सपोर्ट था, ये ऑल टोटल जो है आज ये मतलब मोमेंट लाया है कि हम सभी मिलकर जो है इनको शाबाशी दें और दिल से जो है इसको ब्लेस करें कि इनका जो एनर्जी है ये बरकरार रहे, इनका जो स्ट्रेंथ है ये बरकरार रहे, अंडमान को स्पोर्ट्स फील्ड में जो है ये अव्वल नंबर में लाए। इनके साथ जो है इनका नाना भी जो है वहाँ पर गया था तो वो भी बोल रहे थे कि इनका जो मतलब बाकियों से वर्ल्ड जितना भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके बीच में इनका जो एक एनर्जी लेवल था वो अलग ही था। इनका जो डेडिकेशन है ना, इनका फाइटिंग स्किल में दिख रहा था किस माहौल में और कितना लिमिटेड रिसोर्स में जो है ये अपने आप को तैयार कर रहा था। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और इसी के सिलसिले में अभी राकेश भाई ने जो कहा है, मेरा भी अपील रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कम हमारे बोलने पर आप मत सुनिए, आपका भी तो एक सेंस होना चाहिए। आपका काम क्या है? वहां का जो ऑफिसर्स बैठे हैं क्या सिर्फ फैन के नीचे, एसी के नीचे बैठ के फंड खाने के लिए है क्या? यहाँ पे वैसे लोग हैं ना भाई अंडमान में, इनको भेजने के लिए उनका क्या योगदान रहा है? यहाँ में तो सब नॉर्मल पब्लिक, इनका पेरेंट्स अगर मतलब कोशिश नहीं करता अपना
वाइफ का जो है गोल्ड गिरवी रखा, ठीक है, इनका प्रॉपर्टी भी कुछ एक जो मॉर्गेज टाइप का है, तो शर्म नहीं आता है क्या ये सब अथॉरिटीज को? अंडमान में बैठ के ऐसे क्या काम कर रहे हैं? कम से कम ऐसे लोग, ऐसे बच्चे आ रहे हैं ना भाई, उनको देने की जरूरत नहीं है, हम ही दे रहे हैं ना उनको, तुम थोड़ा समझो ना, थोड़ा सपोर्ट करो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन लोग ये बात को समझे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कैरियर बर्बाद हो रहा है क्योंकि आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। बेशक ये एक निवेदन था मगर काफी आक्रोश भरा था, लेकिन ये भी समझ सकते हैं इसके पीछे का जो रीजन है, हम उस चीज को भी समझ सकते हैं। हर कोई आज चाहे जो भी हो द्वीप में, जिस अंदाज से अभी अंशुमन जी ने कहा है, आई एम श्योर कि प्रत्येक द्वीपवासी ऐसा ही महसूस कर रहा होगा। और ये पहले मर्तबा नहीं है किसी भी फील्ड में, जब लोग हम यहाँ पे एयरपोर्ट आते हैं और हम इनके आगमन पर इनको बधाई देते हैं, तो हर वक्त ये मुद्दा जरूर उठता है कि प्रशासन की तरफ से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के विभाग के तरफ से इनको कोई किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है। जैसे अभी अंशुमन जी ने कहा कि इनके पिताजी जो है, इन्होंने अपनी बीवी के जो जेवर है, ज्वेलरी है, उसको गिरवी रखकर अपने बच्चे को स्पॉन्सर किया। यहाँ पर बोर्ड में आप देख सकते हो कि कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर जयशीष लिखा है, स्पॉन्सर्ड बाई सईद भाई एंड राकेश पाल गोविंद जी। हम इनको ढेरों धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने द्वीपवासी को आगे बढ़ने के लिए इन्होंने हर तरीके से मदद की है, इनके पेरेंट्स को, इनके ट्रेनर को, हर किसी को, कि बच्चा पीछे ना रह जाए। ये जुनून हम सब के अंदर में होना चाहिए, तभी हमारे आइलैंड का एक एक निवासी जो है आगे बढ़ पाएगा। तो अभी अजीजुर रहमान जी, राकेश पाल गोविंद जी और राजेश भाई, अंशुमन जी, इन सब के तरफ से जो है जयशीष, उनके नाना नानी, उनके माताजी, उनके पिताजी और उनके जो कोच है, उनको वे सम्मानित करना चाहते हैं। ये सम्मान बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी सम्मान के बदौलत जो है, जो ट्रेनर्स हैं हमारे द्वीपों से हीरे मोती निकालते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जाते हैं, सिर्फ अपना नहीं हमारे द्वीपों का और हमारे देश का भी नाम रोशन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अगर सही मायने में देखा जाएगी तो। इसीलिए राकेश पाल गोविंद जी, अंशुमन रॉय जी, ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी इनके अपना ध्यान जो है ऐसे बच्चों के ऊपर करे ताकि इनको थोड़ा सहयोग मिले। एक चिंता जताई है ट्रेनर वर्मा जी ने कि इनके जो सिल्वर या गोल्ड से पीछे रह गए हैं पाने में, उसका एक मुख्य कारण था रिंग प्रैक्टिस, रिंग नॉलेज नहीं होने की वजह से। हमारे अंडमान निकोबार में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए कोई रिंग नहीं है और ये चिंता अब की नहीं है, पिछले 2 साल से हम इन बातों को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की इस पर कोई ध्यान नहीं गई है क्योंकि हमें कोई उसका आउटकम देख भी नहीं रहा है। हम निवेदन करेंगे कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक रिंग यहां पे बच्चों को दिया जाए प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आज जो चूक हुई है गोल्ड मेडल पाने के लिए, वो चूक हम भविष्य में वैसे चूक से हम बच पाए और हमारे द्वीपों में भी इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी पहुंचे। चलिए अभी हम जयशीष के माता पिता, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें इस उपलब्धि पर अपने बच्चे के लिए क्या कहना है। जय हिंद मैम। जी मेरा बेटा ने तो, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि एक मीन्स एक छोटे से आइलैंड से हम लोग वहाँ बाहर गए, क्योंकि इतने टफ कंपटीशन से निकल के आना और हम लोग को तो कोई लिमिटेड सोर्सेस है, कोई फैसिलिटीज है ही नहीं सर यहाँ पे। जब भी मैंने बेटा इतना मेहनत करके इतने आगे, इसके पापा, इसके कोच ने, मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। चलिए वेंकट जी, आप कुछ कहना चाहोगे? ये सभी का कहना, और पहले एपिसोड में भी आपने बताया किस तरीके से बेटे के जिद पे आप खुद जो है इसका ट्रेनिंग लेने लगे, इसके साथ नेशनल्स वगैरह जाने लगे, कुछ कहना चाहोगे आज इस अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि पर? वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, जैसे जैसे कि अभी जयशीष यहाँ से जाके अभी मेडल लेके आया है, ऐसे यहाँ जो यश खड़ा है, ऋषभ खड़ा है, यूनिस और आशीष खड़े हैं, ये लोग भी हमारा अगले आने वाले चैंपियंस है। अभी ये लोग भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे बहुत ही जल्दी, एंड ये लोग भी हमारे द्वीपों के लिए मेडल्स लेके आएंगे। ये नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है लास्ट 2024 का, एंड ये लोग अभी डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग में अभी ये लोग खेलने वाले हैं, तो बहुत ही जल्दी इन लोग से भी हम लोग मेडल की उम्मीद रखते हैं जैसे जयशीष लेके आया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसको अगर एकदम सुनिश्चित करना है तो फिर हमारे स्पोर्ट्स विभाग की तरफ से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को की तरफ से इन बच्चों को अगर बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो जैसे इनके ट्रेनर कह रहे हैं कि ये नेशनल जाएंगे वहाँ पे मेडल लेकर आएंगे, ये जरूर पूरा हो सकता है। हम जरूर चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इनको इनको ट्रेन करने के लिए कोई ना कोई अच्छी सुविधा जरूर मुहैया कराए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यमीन, न्यूज अंडमान 24/7, जय हिंद।